మార్నింగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చి ఈవినింగ్ అరెస్ట్ చేసిన పర్ఫెక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని చూసారా ఎప్పుడైనా? तो फाइनली दोस्तों तेलुगु सिनेमा के एनर्जेटिक और हैंडसम सुपरस्टार राम पोथिनेनी की मच अवेटेड फिल्म वॉरियर को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी ग्रैंड तरीके से रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म ने दोस्तों रिलीज होते ही इस साल की वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु फिल्म की ओपनिंग ले ली है और बॉक्स ऑफिस पर आज ऑडियंस को काफी पसंद आती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं राम पोथिनेनी की फिल्म द वॉरियर के फर्स्ट डे इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जानने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म का बजट और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी राम पोथिनेनी की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों को हिंदी में देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम पोथिनेनी तेलुगु सिनेमा के एनर्जेटिक सुपरस्टार कहे जाते हैं, उनकी फिल्मों को ऑडियंस काफी पसंद करती है, उनकी स्टाइल, उनका डांस और उनकी एक्टिंग ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। यह वजह है दोस्तों कि राम पोथिनेनी की ऑडियंस के बीच में जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ तेलुगु ही नहीं बल्कि तमिल और हिंदी में भी काफी अच्छी है। बताते चले दोस्तों आपको कि आज उनकी मच अवेटेड फिल्म द वॉरियर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है जिसका डायरेक्शन लिंगू सैमी ने किया है और इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको राम पोथिनेनी के अलावा आदि, कीर्ति सेट्टी और अक्षरा गोड़ा नजर आने वाली है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का लगभग 30 करोड़ रुपए जिसमें आपको मास एक्शन तो देखने को मिलने ही वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के मेन विलन यानी कि आदि के बेहतरीन लुक्स और उनकी बेहतरीन एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म को दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर में लगभग 1500-1800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है जहां पर यह फिल्म आज अपनी मॉर्निंग से ही लगभग 40% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। राम की फिल्मों को दोस्तों ऑडियंस पसंद करती है, यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स है वो लगभग 42 करोड़ रुपए के प्राइस में बिके हैं। इस फिल्म को दोस्तों हिट होने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की कमाई करनी है। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि राम की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं को मिलाकर लगभग 13 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ी ओपनिंग ले रही है। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर में इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का कलेक्शन लगभग 15 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। यह फिल्म दोस्तों राम के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों द वॉरियर को अगर तेलुगु और तमिल में रिलीज किया गया था तो क्या इस फिल्म को डायरेक्ट हिंदी में भी रिलीज किया जाना चाहिए था या नहीं? हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।